आइडेंटिफाइड हुआ है रियाज अहमद सन्ना मोहम्मद हुसैन, एज 85 में है। तो जो अभी अटॉक्सी की है पोस्टमार्टम, उससे ये लग रहा है कि उसकी डेथ जो है तो तकरीबन 12 घंटे के अंदर हो गया, उसको 10 to 12 hours। और अभी इसके हमें रिश्ता दे दिए हैं, इसको SSL भेजेंगे, उसके पास पता ही लगेगा कि उसके पास और डेथ के FI नहीं है, कि कुछ जो भी पास है वो डिटेक्ट होगा SSL से। पता चला भाई चोज मोच चल रही थी, हम दौड़ के पहुँचे वहाँ, मौके पे आए और एक छोटी सी पसारी टाइप जगह थी वहाँ पड़ा हुआ था, छोटी सी गैली, छोटी सी गैली में, तो वहाँ से उठाया हमने, उठा के वहाँ और लोग भी पहुँच गए। लेकिन कल जब घर से गया, वो बोल के गया था कि मैं एक ट्रक के साथ चला हूँ, लेकिन पता नहीं ट्रक कौन सा है, लेकिन उसके साथ गया है। तो वापस रात को हमारे को पता नहीं, सुबह जब नमाज पढ़ के उठे तो पता लगा कि फलानी जगह रखा हुआ है। जब हमने वहाँ से हटाया, हमारे को वहाँ से डेड होकर मिला, तो इसका हमारे को इंसाफ चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कैसे हुआ, क्या किसने मार के रखा होता, क्या इसकी कार्रवाई चाहिए हमारे को, हमारे को इंसाफ चाहिए। ठीक है नहीं, कल ये बंदा सुबह मॉर्निंग में गया, हमें ये बोलकर गया कि मैं ट्रक के साथ जा रहा हूँ। ट्रक कौन सा था, वो ये लड़का था, इसका फ्रेंड, ये मेरे चाचू हैं, इसका फ्रेंड था, वो सिक्कू नाम है उसका, ट्रक चलाता है, ट्रक ड्राइवर है। कल शाम को 4 बजे ये ट्रक में बैठा, वहाँ से चला गया ये, तो 4 बजे बैठा जब ये चला गया, उसके बाद ये हमें मिला, कब आज सुबह मिला ये, और हमें जस्टिस चाहिए। उसी बंदे के साथ ये पिछले 5-6 दिन से उसी बंदे के साथ था ये। तो आपको कहाँ से मिला इसको? आज सुबह मैं जा रहा था, जिम जा रहा था, तो वहाँ सुबह ये एक स्कूल है, एक स्कूल है, अकेडमी है, प्राइवेट अकेडमी है वो, तो वहाँ से जब मैं जा रहा था रोड से, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये बंदा आपका है, तो घर में इन्फॉर्म कर दो आप। तो वहाँ से ये मैं मिला ये, अगर इसकी खुद ही डेथ होती, अगर खुद मरता ये, तो जब इसका दम निकलता, ये उछलता कूदता वगैरह कुछ होता, कपड़े फटते, इसको मारा गया है सर, हमें जस्टिस चाहिए बस।